हाफ मैराथन में हजारों लोग जो है वो जोश के साथ पहुंचे हैं और सुबह 5 बजे से ही जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग जो है वो यहां पे पहुंचे और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए जो है वो तमाम कलाकारों को भी जो है वो यहां पे बुलाया गया है। चाहे बात करी जाए मैरी कॉम की, एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनु भाकर की जो है वो पहुंचे हुए हैं, तमाम मंत्रीगण यहाँ पे पहुंचे हुए। एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले विधायक राजेश नागर से हम जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, आप पहुंचे हो किस तरीके से? देखो, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पहले से युवाओं को, खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दे रही है, उसी के तहत ये आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। और जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, प्रदेश में आई है, आप देख सकते हैं जो पहले मेडल्स आते थे, चाहे ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, वर्ल्ड मीट की बात करें, हमारे हरियाणा से जो युवा और खिलाड़ी जाते हैं वो 30% से ज़्यादा हमारे खिलाड़ी मेडल जीत कर ला रहे हैं, उसी के तहत ये आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिससे युवाओं को, खिलाड़ियों को इससे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हैं। विधायक नैनपाल रावत जी भी हमारे साथ हैं। विधायक जी, किस तरीके से देखते हो? देखिए, रन फॉर यूनिटी, हरियाणा की एकता के लिए दौड़ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, के साथ इस प्रदेश के युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको आगे लेकर के जाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। तो आज नशे से दूर रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ही चिंता करते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये रन फॉर यूनिटी, जिसमें लाखों युवा युवतियों ने भाग लिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये अद्भुत प्रोग्राम चलाया गया है और एक बहुत बड़ा संदेश इस प्रदेश के युवा युवतियों के लिए देने का काम किया है। कहीं ना कहीं देखिए, एक अच्छा कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से लाया। पूर्व राजनीतिक सचिव जो है वो अजय गौड़ हमारे साथ है। गौड़ साहब, आप किस तरीके से देखते हो इस आयोजन को? बहुत सुंदर आयोजन है, सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये पिछले लगभग 3 सालों से ये इनिशिएटिव चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में एक युवा जो वर्ग है नशे की तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन सरकार की एक मैसेज है कि अभी नशे से दूर रहना चाहिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें और मन को भी तंदुरुस्त रखें। देखिए, कहीं ना कहीं नशे से दूर रहने के लिए जो मैसेज दिया गया। विधायक सीमा तरकाजी में, मैडम किस तरीके से देखते हो इस आयोजन को? माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है, उसके लिए सारे युवाओं को साधुवाद देती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की रफ्तार दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में तेज हुई है, हरियाणा की रफ्तार देश में मनोहर लाल जी के हाथ में जब से आई है रफ्तार पकड़ी है हरियाणा ने, और हरियाणा के बेटे बेटियों की रफ्तार आज आपको सड़क पे दिखेगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोग्राम भी है इस तरीके का, आप देख सकते हैं कि पिछले हजारों संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद हैं। मंत्री जी, बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम, किस तरीके से? ये पहला ऐसा फिराद का कार्यक्रम जहाँ लाखों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए और हजारों बच्चे आज मैराथन में दौड़ने वाले हैं, और ये हजूम इस बात के दिशा है कि नौजवान जागरूक है, और जिस तरह से नौजवान को बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिनको उत्साहित करने का, प्रोत्साहन देने का कार्य किया कि नशा की तरफ जो नौजवान भाग रहा था उसे रोकने के लिए, वापस आने देश की अपनी दिनचर्या में वापस लाने के लिए, तो जो कार्यक्रम किया, मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रशासन को एक बड़ी बधाई का काम जो है वो कह सकते हैं कि साफ तौर से तमाम मंत्रीगणों ने जो है वो दिया है। और फिलहाल इस तरीके का आयोजन देख सकते हैं कि आप कितने बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाए थे, और इसके बावजूद यहाँ पे बड़ी पैमाने पर जो लोग हैं आपको वहाँ पे जो है वो इसमें भाग लेते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जो है वो कुछ ही जो है वो देख सकते हैं, 21 किलोमीटर की दौड़ का जो है वो आयोजन किया जाएगा, और इसके बावजूद 21 किलोमीटर पूरी दौड़ने के बावजूद यहीं पर जो है वो इस दौड़ के जो है समापन होगा, और 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तीन कैटेगरी में जो है वो इस दौड़, इस मैराथन को जो है वो डाला गया है, और इसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रतिभागी यहाँ पे भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है वो सूरजकुंड में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिसके बावजूद वो हरी झंडी दिखा करके खिलाड़ियों के यहाँ से रवाना करेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सिटी भी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।